हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जान दे सके और मेरी इन खूबसूरत खवातीन समेत बहुत सारी अपने घरों में मौजूद ऐसी खवातीन हैं जो के ये जिम्मेदारियां बखूबी अदा करती हैं और वो अपने अपने घरों पर इस महाज को संभाले हुए हैं। हम जानते हैं ना इस बात को कि हर खानदान में कोई एक खातून होती है जिसका डंका बज रहा होता है कि भाई उनके जैसा खाना जो है वो कहीं नहीं बनता है, या उनके हाथ के में जो लज्जत है वो किसी और के हाथ में नहीं है, या आपने फलां चीज खानी है तो फलां के पास जाना पड़ेगा इसलिए कि उस जैसा पाए, उस जैसा हलवा, उस जैसी रोटी, उस जैसा कोरमा, उस जैसी बिरयानी, उस जैसे चने कोई बना ही नहीं सकता, किसी के हाथ में इतनी लज्जत है ही नहीं। सो ऐसी जो खातून होती है ना वुमन, उसको अपने घर में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल होती है, बड़ी उसकी जैसे कहते हैं ना हुक्मरानी होती है, इसलिए कि लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और इस एक वजह से कहते हैं मुंह के रास्ते दिल में उतरने वाला जो एक रास्ता है ना, उस रास्ते से उसने बहुत सारे लोगों के दिल जो है वो जीते होते हैं। लेकिन इस दिल जीतने में उस खातून के अपने हाथ में जो हुनर और स्किल होना चाहिए वो बड़ा ज़रूरी है। इसी को आज हम देख रहे हैं कि हमारी घर की मुख्तलिफ क्वींस जो हैं, मुख्तलिफ घरों की मुख्तलिफ क्वींस हैं, वो आज फिर हमारे साथ हैं ए प्लस किचन क्वीन कॉम्पिटिशन में। वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग आज? आज तो नहीं स्ट्रेस है, आज तो नहीं कोई दबाव है, कोई परेशानी है? कोई नहीं। तुम सुनाओ खास तौर पे। आज तो ज्यादा। तुम्हारा क्या हाल है? ठीक हो? इसे कल जो धुआंधार रोना शुरू किया है और उसके बाद इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, अब ठीक हो? सो अपना अपना नाम मैं बताती हूँ फिर। कोमल, किरण, फातिमा, अस्मा, अनम, आसिफा, सना और बुशरा। ठीक है, किस किस के साथ आए हैं आज? भाभियों के साथ जी। सब जी। सब के सब जी। सब के सब, वेरी गुड। सो आज का जो रिश्ता दिया गया था वो ये था कि अपनी भाभी के साथ आना, तो ये कह रहे हैं कि सब अपनी भाभियों के साथ आए हैं, लेकिन इससे पहले कि इनके हेल्पर्स को या इनके सपोर्टर्स को या इनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुलाया जाए, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी अपने आज के प्रोग्राम की जज को, हमारी बहुत प्यारी सी शेफ जो आपको अक्सर प्रोग्राम्स में नजर आती हैं और कमाल किस्म के खाने बनाती हैं। भाई मेरे साथ हैं शेफ फराह। कैसी हो फराह? मैं ठीक, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? देखिए सब कितने खुश खुश हैं। हाँ, लेकिन आज कल ये बहुत टेंस थी, आज थोड़ी रिलैक्स लग रही है। तो कल किया भी तो ऐसा ही था ना, जब जाहिर बात है आप गलती करेंगे तो आपको तो टेंशन होगी ही, गलती भी करो और टेंशन भी ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ओहो, आज गलती करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ। अच्छा फरा, हमने जिंदगी में जब काम किया होता है तो भाभी का इनका रिश्ता है जी, तो भाभी के साथ जो है ना, भाभी जब घर में आती है सबसे पहले उसको एक अदद खाना बनाना होता है, उस खाने की गेज पे, उस खाने की बुनियाद पे तय होता है कि वो भाभी जो है वो घर में कितने लोगों की पसंदीदा होगी, क्या अब्बू को उसका फुलका पसंद आया कि नहीं आया, बिल्कुल उसकी नमक मिर्च पसंद आई है कि नहीं आई, जबकि वो बना मीठी चीज रही होती है। हाँ। और सारी हम उम्मीदें लगा लेते हैं कि बिरयानी भी अच्छी बनाएगी, वो तो रोटी भी अच्छी बनाएगी, वो तो ये भी अच्छा बनाएगी, एक दिन मीठा बनाती है उसके बाद तो तीखा ही बनाती है। और जो नंदे होती है ना, वो दिल में, मैं भी नंदे दिल में दुआएं कर रही होती है, अच्छा ना बनाए, अच्छा ना बनाए, ऐसी दुआएं कर रही होती है। हाँ हाँ, ऐसे ही, क्योंकि वो बेटी का राज फिर खत्म होने का दौर आ जाता है ना, वो कौन बेटी बर्दाश्त करेगी, तो बुरा तो लगता है, लेकिन फिर जब भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है तो बेटियां बड़ी खुश होती है, चलो मेरी छुट्टी हो गई। तो ये भी होती है। आज इनकी अपनी भाभियों के साथ आएंगे तो हम देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप अपनी भाभियों के साथ कैसा है, लड़ाइयां होती है, चूटियां होती है, उंगलियां मारती है, इसलिए कि नंदे जो है वो एक्चुअली बड़ा टफ टाइम देती होती है भाभी को, जो नई आने वाली लड़की होती है। आपने यहाँ पर शो पे भी बुला लिया, एक तो घर पे भी बर्दाश्त करी, अपनी नंदों को भी यहाँ पर भी बर्दाश्त करी, बेचारी भाभियां। नहीं, लेकिन उनको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा और नंदों को हमने देखना है कि इनमें, आप सब नंदे हैं, ठीक है, नंदे तो सभी होंगी, भाभी कोई कोई होगी क्योंकि मैरिड कम लोग हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, दूसरी अपने प्रोग्राम की जज को बुलाते हैं। अगेन, शी इज अ वेल नोन आर्टिस्ट, एक्टर, उन्होंने फिल्म्स में भी काम किया है, बहुत सारे प्लेज में उन्हें काम करते हुए आप देख रही हैं। मेरे साथ है हमारी बलूचिस्तान क्वेटा से ताल्लुक रखने वाली बहुत प्यारी सी मारिया खान। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कराची से हैं। कराची से पीछे पीछे आ गई मेरे जी। जी, आपसे मोहब्बत इतनी है। आपका क्या कहा जाए, कराची से कि बलूचिस्तान से, क्वेटा से?
भाई पूरे पाकिस्तान से कहा जा सकता नहीं यार, भाई हम अपना एक ओरिजिन तो हम एक शो में थे वहाँ जेबा पति जेबा शहनाज उन्होंने फरमाया कि ये मर्दों की जैसे मर्दों में अयूब खोसो है कि पता नहीं चलता कि वो किस स्टेशन से है, तो मरिया जो है वो मर्द औरतों की अयूब खोसो है कि पता नहीं चलता कि ये कहाँ है किस स्टेशन से है, मगर अयूब खोसो प्राइड है बलूचिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी लव हिम फॉर दैट, इसलिए कि उनके वो जो टिपिकल घुंघराले वाले बाल है वहाँ के तो वो बड़े जबरदस्त है भाई, पूरे पाकिस्तान के है और ना सिर्फ बलूचिस्तान से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बलूचिस्तान कोयटा। अच्छा आप सिंध से हो? बिल्कुल, कराची सिंध का हिस्सा है तो। नहीं नहीं, कराची को हम कराची मानते हैं। अच्छा सिंध नहीं मानते हैं, कराची एकदम कराची इटसेल्फ एक प्रोविंस है अलग से। चले कराची की हूं। अच्छा चले फिर कराची की हूं। नहीं हम तो कहते हैं सिंध से हैं और कराची के शहर में रहते हैं, हम कहते हैं इस तरह से हैं। ठीक है, और आप सबके लिए कराची की। ओह वेरी गुड। और हम सब, मैं कराची में काम करती हूं और हूं मैं कोई। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि कराची के लोगों के हाथ में जायका और तरह का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये भी जो टास्क हम देंगे जो कुकिंग करेंगी वो उनको बाद में पता लगेगा, लेकिन मैं मारिया ये डिस्कस करती हूँ यार हम कैसे फैसला करेंगे कराची की, तो ये चीज बिल्कुल चेंज होती है और बिल्कुल चेंज, और उसी नाम से जब वो बलूचिस्तान में या कोयटा में बनती है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। मतलब बलूचिस्तान कोयटा में इस डिश का नाम क्या होगा जो हम आज टास्क में देने वाले हैं? अब ये टास्क पहले से बता दिया तो डिस्क्लोज हो जाएगा। नहीं टास्क नहीं बता दिया, नहीं बताया, नहीं नहीं बताया ना, नहीं बताया पहले हमने रिश्ते बताए, लेकिन रिश्ते बताए क्या वही नाम है जो आम? नहीं नाम वही है, नाम तो वही है लेकिन जायका पकाने का तरीका मसाले मसाले सब चेंज। ओके चलो फिर हम ऐसा करते हैं कि ये डिस्कशन बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनके रिश्तों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। मैं आज ऐसा करूंगी कि नीचे से हैशटैग यहाँ से शुरू करूंगी। कल आप लोगों को ये मौका मिला था कि आप यहाँ पर अंदर खड़े हो सके, आज ये मौका नहीं मिलने वाला। आज जो बाहर थे वो लोग अंदर होंगे और जो अंदर थे वो बाहर होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फिर वापस। शामदीद, आज का टास्क बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत मुश्किल है, मुझे जल्दी जल्दी हाँ। सबको बुला दीजिए, मुझे नहीं लगता ये फिर पूरा कर पाएंगी। सो सबसे पहले नंबर 8 बुशा जब्बाद आ जाइएगा सामने। बुशा किसको लेके आई है साथ? मैंने किसी को ला सकी, किसी ने आना था वो क्या कह रही हो? जिन्होंने मेरे साथ हेल्पर के तौर पे आना था वो नहीं आ सके आज। जिन्होंने क्या मतलब? भाभी ने आना था, उनके बेबी की आपकी भाभी नहीं है कहीं तो इसलिए वो नहीं आ सके। आपकी भाभी नहीं है? उनकी बेबी की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो नहीं आ सके। नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको ये टास्क दिया गया था, आपके घर में और भी तो कोई होंगे ना वो संभाल लेते तो बच्ची को, तो बच्ची को कोई और संभाल लेता तो। उनके बेबी की तबीयत ज्यादा, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप आई हैं और आप कह रही हैं कि मेरी भाभी नहीं है। सुबह उनको पिक करने गई थी तो उधर वो बेबी को लेकर हॉस्पिटल जा रही है। एक्सक्यूज मी, देखिए आपने इस कॉम्पिटिशन को मजाक बना के रखा हुआ है। मैं तो मैरिड, मैं तो अपने घर में से जा रही हूं। फरा ये कोई बात नहीं है, कल आपने किसी को भी नहीं निकाला, एलिमिनेशन कल नहीं हुई आप लोगों की वजह से। इतने सारे कंपटीशन होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं, इतनी नरमी तो कहीं पर भी नहीं होती है, और आप भाभी को लाई नहीं, फिर इनका क्या कसूर है? सबकी भाभियों को भेज दिया जाए आपकी वजह से? नहीं उनको तो पनिश नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। तो आपको बताना चाहिए ना, इन्फॉर्म कर देती है। ये बहुत गलत चीज है, कल से ये हो रहा है, कल से इतनी आसान सी चीजें बताई गई उन्होंने बनाई नहीं और आज भाभी को नहीं लाई, जो पता है कि टास्क दिया गया है, टास्क है तो फिर आप क्या करेंगी? सही बताओ, भाभी से बनती है? मुझे नहीं लगता है, वो आई नहीं होगी। ये हो सकता है उन्होंने सुबह कह दिया हो कि मैं नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है भाभी ने कहा होगा अच्छा आज मेरी जरूरत पड़ गई, खुद ही जाओ ना, मैं नहीं जा रही। ऐसा है बताएं, ऐसा है कैसा कि भाभी ने कहा हो कि मैं तो नहीं जा रही। शर्त लगा लो 100-100 रुपए की, शर्त लगा लो, मैं घर जाके खुद बजाते खुद इंटरव्यू करूंगी ऑन रिकॉर्ड विदाउट एडिटिंग। अगर ये बात ना निकले मेरा नाम बदल देना। भाभी के बच्चे की तबीयत खराब थी, मेरे भतीजे की तबीयत खराब थी, उनके बच्चे की तबीयत। मेरी अम्मी उनकी टेक केयर नहीं कर सकती, वो बहुत ओल्ड है खुद। अच्छा कोई और तो होगा, आपकी दूसरी बहन होगी। देखिए आपसे मोहब्बत का सबूत दे सकती थी इस वक्त वो,
हाँ दे सकती थी अगर टाइम होता बच्चा तो। बच्चा खाला नानी के बच्चे कितने जाते हैं अगर टाइम कह रही है टाइम होता तो टाइम भी इसमें इन्वॉल्व है क्या क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं उनको पिक करने गई उस वक्त उनके पास मैं किसी और को नहीं लेकिन ये क्या ये नहीं होता बच्चा के पेंसिल खो गई थी मेरा रेजर खो गया था मेरा ये हो गया था तो मुझे ये सारी चीजें नजर आ रही मैंने होमवर्क नहीं किया अरे फिर अब क्या करें मैं अकेले काम करूंगी तो फिर मेरे से जितना टास्क हो सकेगा वही है ना देख लो नंबर कटेंगे तुम्हारे चलो हम देखते हैं हैं देखते हैं कंपटीशन है ना अरे यहाँ पे ऐसे करके क्या कि जो भाभी से लड़ाई नहीं है भाभी से लड़ाई नहीं है भाभी से लड़ाई नहीं है भाभी मजबूरी की वजह से नहीं आई हाँ इसमें कोई शक नहीं और इसका एक और ड्रॉबैक अगर आप देख रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं लेकिन एक ड्रॉबैक ये होगा कि एक से वाले दो जिस तरह होते हैं तो आपको सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा इसमें भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है तो मैंने कहा मुझे पनिश मिलेगी ना ये भी मुश्किल है अरे ऑडियंस में जी क्या कहना चाह रही है आप वॉलंटियरली इनके साथ आना चाह रही है अल्लाह दिल मैं ऑडियंस को जानती हूँ इतना दर्द दिल आप रिश्तेदार अकेली कितनी सारी हो रही है अकेली की दुर्गत बनी है तो अगर कोई वॉलंटियरली साथ आना चाहे तो मैं हेल्प करा सकती हूँ ये इतना दर्द दिल कहाँ से आया कोई ना कोई तो रिश्ता होगा अच्छा ये बताइए वो कह रही है कि मैं जी साथ देने के लिए तैयार हूँ भाभी बनने के लिए तैयार है उनकी प्रोग्राम में ही सही मगर बनना तो भाभी पड़ेगा प्रोग्राम में ही सही मतलब रिश्ते की मूल बोली लेकिन बनना भाभी पड़ेगा तैयार है तैयार हाँ जजेस देती हैं अपॉर्चुनिटी आप देनी पड़ेगी लेकिन आप इनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती इनको बस सामान दे सकती है कटिंग चॉपिंग ये खुद ही करेंगी इनकी सजा है नहीं अगर आप ये चाहें तो वो अकेली भी कर सकती हैं अगर आप चाहें वो इतना डिस्कस कर लेते दर्द दिल रखनी है तो देखते हैं और कौन कौन से लोग ये वाली बाकी सब लोग तो आए चलो जी अच्छा आप स्टेशन संभालो बाहर डिसाइड भाग के जाओ आप ये जजेस आखिर में फैसला करेंगे कि इनको देते हैं अपॉर्चुनिटी की नहीं जी अच्छा जी ये पहले से तो नहीं है इनके साथ ही भी मैं जाके पूछूंगी वैसे मेरा तजर्बा कोई अच्छा नहीं है खवातीन को एक दूसरे का बहुत ख्याल और एहसास करने वाली कतन नहीं होती है और इतना एहसास हो रहा है कतन कोई भी नहीं बोला ये वजह क्या है बोली आप सब दो चार हाथ उठते ठीक है आप क्यों बोली अच्छा सना हैदर सना आइए सर सना किसको लेके आइए साथ अपनी फ्रेंड भाभी को अच्छा फ्रेंड भाभी ये सारी ये पॉलिटिक्स कहाँ से आप लोगों ने सीखी है ये फ्रेंड भाभी क्या होती है ये कौन सी होती है मीन के मेरी कजन है दुश्मन भाभी किधर है मेरे भाई छोटे छोटे से अनमैरिड अनमैरिड भाई हैं बहुत छोटे हैं पढ़ रहे हैं अभी तो ये भाभी है नहीं प्रोस भाभी नहीं है मेरी फैमिली टर्म्स में से कजन है भाभी है मतलब कजन की वाइफ है ठीक है कहाँ बुलाई उन्हें सबा सबा आइए कल भी इसको इसकी बहन ने बड़ा तंग किया था नहीं आज नन ने बड़ा तंग किया आज आपने तंग नहीं करना आज मैं बिल्कुल पूरा पूरा साथ दूंगी सना का पूरा साथ देंगी चलिए फिर भागिए अपना स्टेशन संभालिए बाय चलिए थैंक यू सो मच ये हमें देती जाइए मेहरबानी सना के बाद है आसिफा आसिफा शाहिद आइए आसिफा किसको साथ लेकर आई है भाभी को असली खालिस प्योर जेन्युइन वाली जी असली खालिस पक्की वाली बात बुलाइए भाभी को ये हुई ना भाभी बाकी वालों ने चल रही ना था ये पता चल रहा है अच्छा भाभी मैं नहीं आप डांट के लेकर आई है या रिक्वेस्ट करके लेके आई है रिक्वेस्ट करके मतलब इसे हां कहां है फड़ाने हां नहीं मैं कल बाहर थी यहां पे हां उसने कहा अभी कहती है अच्छा अच्छा मेरे साथ चले आप लोग और उसके बाद आसिफा के बाद अनम जमीन आओ अनम अनम जैसे तुम मुस्कुरा रही हो तुम भी भाभी नहीं लेकर आई नहीं मैं भाभी लेके आई हूँ किसकी असली वाली मेरी अपनी भाभी है अपनी भाभी है चले बुलाए इकरा भाभी इकरा भाभी आइए कैसी है भाभी अल्हम्दुलिल्लाह असली वाली भाभी है ना बड़े भाई की है मंजिले की के छोटे की एक ही भाई है एक ही भाई है उसकी बेगम है अच्छा वेरी गुड ये पसंद करने ये आपको साथ गई थी जब रिश्ता देखने आई छोटी थी ना अच्छा ये छोटी थी
ये बाइक सही है, बाइक सही है बोलेंगे। अच्छा नहीं तो ये आपको जोर से बोले, अच्छा लोग आपको रिश्ता देखने गए थे, साथ आई थी? नहीं ये छोटी थी ना तब, ये छोटी थी। अच्छा कितना तंग करती है ये घर में, टाइम घर नहीं होती है। अच्छा आपने अच्छा मसरूफ रखा हुआ है इसको, दोस्तों में रहती है सारा दिन, सहेलियों में? अच्छा काम करते हैं। अच्छा चलें आज आप इसको हेल्प करने वाली हैं जिताने में, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। अच्छा हार ही जाए? नहीं नहीं आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, खानदान की इज्जत का सवाल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा आरम के बाद है आसमा शब्बीर। आसमा क्या हाल है? आसमा अस्मा लाहौर से बाहर से आती है। अच्छा कहाँ से? इसकी बड़ी बात है। मैं कसूर से। कसूर से, कसूर से। और तो फालूदा क्यों नहीं लाई वहाँ का? आप डाइट पे हैं मुझे पता है, आपने तो रोटी छह सात माह से छोड़ दी। अरे सैड नोट, बट यार बट कसूर के बच्चों, कसूर आज सुन के ही ना बच्चे याद आ जाते हैं। बच्चे बच्चे ठीक है ना वहाँ पे, कुछ गड़बड़ के मसला नहीं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कि सारे बच्चे सेफ रहे। अच्छा किसके साथ आई हो? मैं अपनी भाभी के साथ। सही वाली भाभी है ना? ओरिजिनल आप देख लें जरा, कैसे देख अभी वो देख, तेरा बुलाओ भाभी, भाभी आ जाए। भाभी जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा बड़ी भाभी है जी, ये दोनों कजन्स भी लगती हैं मेरी। नहीं, 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 एक मिलती जुलती कैसे जोड़ ली है? वो जब आता है ना इंसान फैमिली में तो जैसा हो जाता है। आप सबसे बड़ी है और ये तंग करने वाली नंद है? जान खाने वाली, शिकायतें लगाने वाली? वो जो घर से अपनी शादी से भी आती है ना, मतलब घर से भी आती है तो आते ही उसने घर में कोई ना कोई फसाद डाल देना। जब मैं आई थी तो ये छोटी थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। अपने भाई के कितने कान बढ़ती है, सच्ची सच्ची बताइए। यार छोटी ने क्या बने ना, चारों भाई बड़े हैं, ये छोटी हम दबके रहती होगी, हम दबके रहते हैं। अच्छा दबके भी नहीं रहते, बस हम शादी के बाद पहले बड़ा दबके रहते हैं। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी बाहर जाएंगे और अपना स्टेशन संभालेंगे, अगर बाइक पूरे हो गए तो फिर आइए आप एक स्टेशन लेंगे। थैंक यू भाभी जी। और देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। आसमा के बाद है फातिमा, फातिमा आजम। कैसी है फातिमा? ठीक ठाक। ठीक ठाक हो? किसके साथ आई? भाभी। अपनी पक्की बात है? हाँ जी। बुलाए फिर? नहीं ये क्या नाम, नाम क्या नाम? भाभी बुला रही? मदीहा। नाम क्या? मदीहा। मदीहा भाभी आइए। ये भी दोनों मिलती हैं जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे भाभियां मैंने देखा अक्सर मिलती जुलती होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पसंद ही वही लड़की आती है जो कुछ अपने जैसे मिलती है। वो भाई की वजह से ना, भाई बहन के आपस में शक्ल मिलती है तो वो इसलिए आपको लग रहा होता है कि एक जैसा वो है। अच्छा तो आपको जब आपका रिश्ता देखने गए थे ये साथ गई थी? बहुत बातें की होंगी इसने, ऐसी है वैसी है ऐसी है। जितनी नंदे रिश्ता देखने जाती है सबसे ज्यादा फितना वही होती है, और भाई कुड़ रहे होते हैं सारे के सारे रिजेक्ट कर देती है। इसी रिश्ते के ना होने में वजह वो नंद होती है। भाई तक तो रिश्ता जाता ही नहीं, वो खुद ही रिजेक्ट कर देती है, छोड़ो अच्छी नहीं है। और खास तौर पे अगर भाई ने कोई पसंद की हुआ ना, हाँ। उस लड़की में तो उसने इतने कीड़े निकालने ये तो है। अरे भाई उसमें क्या देखा है आपने? साड़ी उससे अच्छी तो वो फला वाली है, वो फला वाली थी, सही बात है। तो ऐसे किया? ऐसे किया नहीं, ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है? कैसी है फिर? बहुत अच्छी है, लड़ती भी है, लड़ती भी है, अच्छी भी बहुत है, बोले गई लाइफ अच्छी भी बहुत है। वो आर्टिफिशियल रिश्ते होते हैं जो बहुत ही मुनाफ़त के साथ एक दूसरे। मेरी भी बड़ी लड़ाई होती है मेरी दोनों भाभियों से, सुन रही हूँ बच्चों के ऊपर, बच्चों को डांट के तो दिखाए मैं उनको कहाँ पहुँचा दी। मुझे लगता है एक हेल्दी अच्छा रिश्ता वो होता है जहाँ लड़ने की बात हो तो वहाँ लड़ ले बंदा, बिल्कुल लड़ ले, और जहाँ प्यार करने की बात हो खुल के प्यार भी करे। मुनाफ़त के साथ चलते हैं वो नहीं रिश्ते होते। लेकिन चलो गुड लक, स्टेशन संभालिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी फातिमा के बाद है किरण शहजादी। किरण कैसी हो? ठीक हो? कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। तो आपकी भाभी कहाँ? भाभी नहीं है, मदर के साथ आई हूँ, भाभी है ही नहीं। क्यों? भाई की अभी शादी नहीं हुई। तो कोई दिखे ना, ये कजन की वाइफ को लाई है, कोई किसी को भाभी बना के लाई है, तो आप भी तो ला सकती थी, इतना बड़ा खानदान रिश्तेदार वगैरह नहीं थे कोई आपके? किसी की तो शादी हो जाती है, आउट ऑफ सिटी है ना, कोई तो होगा, कोई यहाँ पे नहीं है लोअर में, बस मदर के साथ। अम्मा को लेके आना होगा, उस दिन क्या करोगी?
अच्छा लड़कियों ने ये भी किया हुआ है, जिससे जिसकी बनती है ना उसी को लेकर आई, बोलते मामू की बहू को क्या लेके जाओ, मेरे राज खोल लेगी, छोड़ो भाभी तो वो भी किचन में बनना इसलिए लाजमी है कि पता तो दोनों क्या मसाले डाल रही है, पता चले खार में। लेकिन मारिया जो सबको सब भाभियां लाए तो ये कहती है अपनी मदर को लाई है, मदर के हम रिस्पेक्ट करते हैं, आगे भी आएंगे बहुत सारे टास्क, लेकिन ये मैं समझ में नहीं आता ये टास्क में बैठ नहीं रही है, रूल्स है ना, शुरू से ही ये हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो किस तरह से आगे सिलसिला चलेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आज लास्ट टाइम रिलैक्सेशन देते हैं, उसके बाद जो नहीं आएगा रिलेशनशिप के साथ उसको हम क्वालिफाई नहीं करने देंगे कि वो उस कॉन्टेस्ट में शामिल हो। अच्छा, आज तो पहली दफा ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो हम भी इसको देख रहे हैं कि अच्छा क्या है, तो आज इन्हें अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, कल से हूएवर विल नॉट कम जो भी अपने रिलेशनशिप के साथ है तो वो कॉन्टेस्ट में नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन अम्मा आई है साथ, बड़ी बात है, कहाँ है अम्मा, बुलाओ अम्मा को, आ जाए मामा, आ जाए मामा। अच्छा ये आपकी बड़ी बेटी है? नहीं बड़ी वो थी जो कल साथ आई हुई थी। अच्छा ये छोटी है, ये छोटी है। हाँ जी, तो ये कितनी नखरीली है और कितनी लाडो है? नहीं ये लाडली तो बहुत है, लेकिन बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत कम्प्रोमाइज करने वाली, बहुत सबर वाली है। अच्छा तो शादी होगी इसकी? नहीं, ये ऐसी बातें अम्मा उस वक्त करती है जब रिश्ता देखने आ रहा है। रिश्ता तय हो गया, रिश्ता हो गया इसका, ये कैसी अम्मी है, हमारी अम्मी तो अगर कोई 100 लोग की तारीफ कर दे तो अम्मी कहेंगी मारिया क्या बना, तुम्हें क्या पता, मेरा रिश्ता देखने के लिए लोग आए, आज तक मुझे बातें सुनाई जाती थी उसपे, तो मेरी अम्मा ने क्या कहा, अगर मेरी मन ने ना ना कर, ना करो। हमारी अम्मी तो बिल्कुल नहीं तारीफ करती, कभी भी नहीं, मेरी बहुत तारीफ करती है और अल्लाह का शुक्र है कि सारे ही तारीफ करते हैं, हम तारीफ के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी बन जाए दीन, ठीक है मैं बन जाती, या ऐसा करें आप अम्मियों की कोई ट्रेनिंग कर लीजिए, कैसे अम्मियों को कैसे बेटी नहीं पूछ ले, हमारा तो दोस्ताना माहौल है, कभी नहीं डांटा कभी है, लेकिन अभी देखने वाले हैं किचन में कितना दोस्ताना है, ठीक है चलिए आइए किरण, थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी, आइए प्लीज। और कोमल गुलजार, डिफरेंट अम्मी, हाय अल्लाह कोमल, कल इस लड़की ने रो रो के, आप लोग तो शायद आप चली गई थी, मैं चली गई थी, हाँ इसने जो रोना शुरू किया, जो क्यों रो रही थी भाई, बहुत रोना बनता था जो आपने खाने बनाए थे ना, तो बहुत बनता था रोना, क्यों रो रही थी, नर्वस हो गई थी, बहुत प्रेशर था शायद, बर्डन, कभी इस तरह कैमरा फेस नहीं किया, फर्स्ट टाइम था, सो दैट्स व्हाई, That's why. तो आज तो दूसरा दिन हो गया, अब तो कैमरे से दोस्ती होगी, कुछ नहीं कहता बेचारा, चुपचाप खड़ा रहता, साइड में है बेचारे, यहाँ पे आते भी नहीं है चल के, ये तो कैमरे, हम कैमरे से अच्छा तो साथी और कोई है ही नहीं, बिना इसे कुछ कहना है कुछ ना, उसे पलट के जवाब देना है, चुपचाप आपको देखते रहे, जिधर भी मुंह करो वो तुम्हारी तरफ आ जाता है, सीधा है। हाँ वो जो शेर ना परवीन शाकिर का, वो जिधर भी गया लौटा तो मेरे पास, तो अच्छा किसके साथ आई हूँ, भाभी, ओरिजिनल ओरिजिनल भाभी है, पक्की वाली, पक्की वाली, चल बुलाओ भाभी को, नयाब भाभी, नयाब भाभी आई है, भाभी कैसी है, मैं ठीक हूँ, कैसी है, लड़ाकू है मुझे तो पता है, कल जितना ये रो रही थी मुझे अंदाजा हो गया था, लड़ती भी बहुत धुआंधार है, हर बात होती होगी एकदम ना, इस तरह इसके साथ होता है जैसे कि कोई काम गलत हो जाए बस एकदम रोना शुरू हो जाए, बच्चों के साथ भी, बच्चों को कोई डांट ले तो फिर भी इसके साथ यही, मगर ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, भाई आगे आपके ऊपर हो जाए कि मेरी बहन, नहीं ऐसा कोई हमारे घर में कोई ऐसा रूल नहीं है, जरूर कोई जुल्म किया होगा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये चीज है ही नहीं, हम बिल्कुल बहनों की तरह, बहनों की तरह, वेरी गुड, स्टेशन संभालिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू कंटेस्टेंट, बाहर भी मेरी आवाज जा रही है, अब जरा मेरी आवाज खोल देना, बाहर बाहर जो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हैं मेरी आवाज सुन सक रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, अंदर आ जाएं भाग के, ताकि आप लोग जो आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ताकि आप लोगों को आपके मिस्ट्री बॉक्सेस दिए जा सके, आए जी, इसमें क्या है, टास्क असाइन करें, आ जाएं, अच्छा इसके अंदर आज की सारी क्वींस इधर आ जाएं, हाँ इसमें हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, जैसे कि घर की खवातीन का ये मुकाबला है कुकिंग का, बिरयानी बनानी है आपने, आपको चावल दिए गए हैं, बिरयानी है, फ्रूट ट्राइफल आपको बनाना है, फ्रूट भी है आपके पास, केक भी है, दूध भी है,
और साथ में आपने आलू की टिक्की बनानी है, कटलेट्स नहीं बनाना, कि आप दूसरी चीजें मांगे, जैसे आलू की टिक्की होती है, कबाब होती है, सिंपल जो हम बनाते अच्छा, हैं अच्छा, वो आपने बनाना है। अच्छा, दही एक्स्ट्रा है और बहुत सारे सब्जी भी है, आप रायता बनाना है और सैलड भी बना सकते हैं, लेकिन तीन चीजें आपको बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं और मारिया डिस्कस कर रहे थे जो बिरयानी है, सिंध और कराची की बिरयानी बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज। वो हमारी तह वाली बिरयानी होती है, मसाला दरमियान में होता है, मसाले भी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे राइस होते हैं, लेकिन यहाँ की बिरयानी जिसे हम पुलाव कहते हैं, हम पुलाव कहते हैं, मिक्स पुलाव होता है, लेकिन क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं, आप जो मैं खाई हुई हूँ, मैं बहुत नहीं बहुत यार, हम इतने पेंडू नहीं है, हम भी तेल लगा के बनाते हैं, मैंने बहुत कम ही डाले हैं, देखिए मसाले मसालों का डिफरेंस है, आपने बात की ना, ये लोग प्रूफ करेंगे, हाँ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। अच्छा, और तेल वाली बिरयानी बनाएंगे, यही जब यखनी डल जाती है, जब इसी में आप यखनी डाल के पका लेते हैं, तो ये कोयटा वाला पुलाव बन जाता है, या एक काबली पुलाव बनता है नट्स के साथ, वो बन जाता है, लेकिन तरीके बड़े डिफरेंट है। लेकिन आज आपने तय वाली बिरयानी बनानी है, ये टास्क है आपका, लेकिन आप मुझे प्रूफ करेंगी ना, मुझे नहीं लगा, मैं चार पांच साल से आ रही हूँ लाहौर में, मुझे फर्क नहीं लगा, मैं कहती हूँ भाई बिरयानी तो पुलाव आ जाता है, बिरयानी कहते यही है बाजी, यही है, तो अब आप प्रूफ कर ले कि ये बिरयानी है या पुलाव। अच्छा, एक चीज इसमें से बता दें, आपने जो आलू की टिक्की का, इनमें से तो किसी ने सवाल नहीं करना आपसे, बाद में गलती करेंगे, गलती आलू की टिक्की और कटलेट्स में क्या फर्क? कटलेट्स में ये फर्क होता है कि कटलेट्स में थोड़ा सा चिकन भी शामिल होता है, मसाले बहुत कम होते हैं, काली मिर्च और नमक होता है, इसको आपने कबाब बना के अंडे में थोड़ा सा डिप करके, क्रम्स लगा के दोबारा से अंडे में डिप करके फिर फ्राई करना होता है, वो कटलेट्स हो जाते हैं, बट ये आलू की टिक्की सिंपल वाली है, ना आपको मैदा मिलेगा, ना आपको क्रम्स मिलेंगे, और आपकी टिक्की टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए आपकी टिक्की। आलू को किस तरह से बॉइल करना है ये इनको पता होगा सब कुछ, ये आपके चिकन है बिरयानी के लिए, एक जितने राइस है, आपके लिए केक रखा गया है क्योंकि आपने फ्रूट ट्राइफल भी बनाना है, उसके लिए आपको दूध की एक जितनी क्वांटिटी दी गई है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जेली दी गई है, पाउडर दिया गया है, आपको सैलेड का पूरा सामान दिया गया है, आपको फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए फ्रूट्स जो है वो दिए गए हैं, आपके जितने मसाले रिक्वायर्ड है वो भी सारे के सारे यहाँ पर, इंक्लूडिंग अनारदाना, हर चीज, और लौंग, इलायची, हर चीज यहाँ पर मौजूद है, लीमू तक यहाँ पर मौजूद है, आलू की टिक्की बनाने के लिए आलू आपको प्रोवाइड किए गए हैं। मैं इसलिए एक एक चीज बता रही हूँ कि कल भी मैंने देखा था बॉक्स में बहुत सारी चीजें यूज ही नहीं की, इसको भी आज हम कंसिडर करेंगे कि लीमू अगर दिए गए हैं तो बिरयानी में लीमू नजर आने चाहिए। आज शेफ फराह को शिकवा नहीं होना चाहिए कि लाहौर की बिरयानी तह वाली, आपका टास्क है तह वाली बिरयानी। ओके, पिक अप योर बॉक्सेस एंड लेट्स स्टार्ट, एंड लेट्स स्टार्ट। चले जी, भाग भाग के, इसलिए कि टाइम अब शुरू हो गया है, इसलिए आपने जल्दी से अपने अपने काउंटर्स जहां जहां पे आप लोग हैं, आप बाहर जाएंगी, जो बाहर है वो लोग बाहर जाएंगे, जो लोग अंदर है वो अंदर रहेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्योंकि बिरयानी तह वाली बिरयानी बनानी है, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा लग जाता है, तो आपको तह वाली बिरयानी और वही हम 10 मिनट दे रहे अच्छा, हैं। मेरा ख्याल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये बिरयानी का मसाला बनाए पहले, ठीक है, ठीक है, और साथ ये ट्राइफल जो है उसको बनाए, अच्छा, मसाला भून लें और ट्राइफल बना लें, ठीक है, ठीक है, और ट्राइफल हमें पहले मरहले में सर्व करें, सर्व कर दे फिर बिरयानी को, फिर बिरयानी जो है जब बिरयानी को दम दे रही होंगी तब टिक्की बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सही, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक ले रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद किचन क्वीन, आज हमारा कंपटीशन, लेकिन ध्यान से चलना है, भाभी जी ने हाथ कटवा लिया, बड़ा बुरा जालिम, बेहतर हालात है, दिखाएं, इतना आप तो टेंशन में ना करें कि आप हाँ। अपने आपको ही जख्मी कर दें, हाँ है बेहतर है, दिखाओ, ब्लीड नहीं करना चाहिए आपको, मतलब शो अपनी जगह, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक रहें, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं है ठीक तो आपने हमें बता देना, छोड़ दें, कटिंग चॉपिंग के काम आप कर लें और इनको आप खाना बनाने का दे दें। अच्छा, वैसे इस तरह से करना टिपिकल जो एक भाभी का वो होता है ना, बेचारी बर्दाश्त कर रही है, उन्होंने एक दफा नहीं कहा कि मैं नहीं छीलती, मैं नहीं काटती, तुम खुद कर लो। अच्छा, अपने दुपट्टे का भी ख्याल करें प्लीज, दुपट्टे बिल्कुल पीछे की साइड पे कर दें, सब आगे नहीं होने चाहिए।
अच्छा किचन का देख रहे हैं कि कौन से कहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, कौन सा काम आपने क्या कस्टर्ड बना रही है सबसे पहले जल्दी। अच्छा मैं एक चीज नोट कर रही हूँ है फरा, कि जब भी आप इस तरह लाइव शोज में काउंटर्स पे काम कर रहे होते हैं तो ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका काउंटर कितना क्लीन है। हाँ, बिल्कुल। अब आप ये देखें कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ बिखरा हुआ नहीं है। नहीं, ये भी एक काउंट वाली चीज है ना, ये काउंट वाली चीज है। इनका फ्रूट रैपल बन रहा है और ये देखें ये जी नीट। मुझे जिस चीज की टेंशन है ना वो ये है कि अगर अम्मा बनाएंगी तो बहुत अच्छा बनेगा, ट्राई करेंगे तो अच्छा बनेगा। उन्होंने कटिंग करनी, आपने बनाना है। हां मैं कटिंग करूंगी। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये गलती ये कर रही है, फ्रूट काट रही है, काले नहीं हो जाएंगे ये, काले नहीं हो जाएंगे फ्रूट। ये कौन सी आप, ये आप किस तरह से खाना बना रही है, किस तरह से फ्रूट काट रही है। अब आप बताएं ये क्या करना चाहिए जो काले ना हो। काट तो लिए अब आपने, हम आपको दूसरे देंगे भी नहीं। अब क्या करेंगे, कौन से टिप ऐसे यूज करेंगे कि ये काले ना हो। मैं दे सकती हूँ कोई टिप, मदद कर सकती हूँ। इनसे पूछेंगे ना, गलती इन्होंने की है। चलो कोई नहीं, चलो कंटिन्यू करो। मम्मी टिप मेरी आवाज ना, मेरी आवाज बाहर जा रही है। अच्छा बाहर भी जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जो साथ हेल्पर आए हैं, उन्होंने हेल्प करनी है, कुकिंग नहीं करनी। बाहर जाना है आप लोगों ने, हेल्प करनी है भाई लोगों जी। अच्छा यहाँ पर ना तुम अकेली हो ना, फिर इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा तुम तो अकेली बना रही हो और आपने भी कटिंग करनी है। आप बनाना, आपने बनाना खुद है, भाभी से नहीं बनवाना, ठीक है। हम देखने के लिए क्या क्या हो रहा है। अच्छा आपने नहीं भाभी बनाना, तक पहुंच जाएगी बनाना, इसलिए आपने काटना वाटना है सिर्फ, ठीक है। आलू बॉईल हो रहे हैं। अच्छा यार आपको उसकी चीजें दी गई है, चम्मच वगैरह, स्पून यूज करो। अच्छा एक चीज हमें पैन में स्टील का चम्मच कभी यूज नहीं करते। एक मैं आपको बात बताऊं। अच्छा आप बिरयानी बना रही हैं और कस्टर्ड भी साथ हो रहा है। भाभी आपने नहीं बनाना, आपने सिर्फ हेल्प करनी है, ये बनाएंगी। आपने आज किचन में इसके साथ वैसे पेश आना है जैसे ये किचन में आपके साथ पेश आना है। जल रहा है, जल रही है ना। अच्छा भाभी को और काम तो नहीं है। भाभी के साथ पता है क्या हो रहा था, भाभी बेचारी लगी होती है, भाभी कोई काम तो नहीं है। हाँ, कभी तैयार होने जा रहा है, तैयार होने जा रहा है। आज आप कहेंगी, आज आपने भी काम तो नहीं है। हाँ, और कोई। अच्छा फरा मैं घर में फूड ट्राइफल बनाती हूँ, मुझे एक चीज पता है, शायद वो हेल्पफुल हो। कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका केक बहुत ड्राई सा लग रहा होता जो मुझे वहाँ नजर। हाँ, जो मुझे यहाँ कस्टर्ड नजर आया है कि ये तो बिल्कुल पॉरेज है बच्चों को खिलाने वाला, ठीक है। ये कस्टर्ड नहीं है। भी एक हल हो सकता है। हाँ होता है जी, उसका एक होता है, वो निकालेंगे क्या होता है अभी बता देंगे, तो वो तो उसका एक हल होता है, बिल्कुल ट्राई कर लेंगे। हल निकालने में तो हम माहिर हैं। अच्छा आपने ये बिरयानी के लिए प्याज काटी है। अच्छा ओके आपकी मर्जी है। हाँ जैसे मेरे हिसाब से इतने से गोश्त के लिए ये प्याज, ये साफ भी नहीं होगी, ये ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बहुत ज्यादा है। और ज्यादा प्याज डालने से क्या होता है, लोग तो समझते हैं ज्यादा प्याज डालने से मसाला ज्यादा अच्छा बन जाएगा। चिकन, चिकन भी तो होना चाहिए। आपके पास कितने चावल हैं, उन सबकी क्वांटिटी, बिरयानी और बेकिंग ये हिसाब किताब से होती है। हाँ। ऐसे अंदाजे से नहीं, तोल मोल के, तोल मोल के होती है। आप वैसे नहीं बना सकते। इनकी ग्रेवी मीठी भी हो सकती है, ठीक है। इनकी ग्रेवी में चिकन कम, चावल कम और मसाला ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है जो इनकी प्याज से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये प्याज को काट रही है और इतना बारीक बारीक काट रही है, बारीक बारीक काट रही है। ये तो कचूमर बन रहा है, जैसे इनको ऑमलेट बनाना है। नहीं नहीं असल में वो पता क्या रहा था, भाभी से, ये भाभी से काम करवा रही थी, हमने आके भाभी को हटाया ना, वो कंफ्यूजन में खुद ही कट गया। जैसे था कि प्याज आपको इतराज़ करी थी कि वो खड़ा क्यों है, इस वजह से उसको थोड़ा सा चॉप किया क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ओके ठीक है, उस वजह से ओके कंटिन्यू, जो आप करना चाह रहे हो करें, ठीक है। हम तो जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। भाभी जी से नहीं बनवाना है, ठीक है ना। भाभी जी बनाती नजर आई तो साथ ही नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर भी भाभी जी आपने बनाएंगे, ठीक है। आप उसको मैनेज कर सकती थी, कर सकती थी मैनेज। अरे भाभी जब ये आपके घर आती है तो नखरे करती है, फरमाइशें करती है। हाँ करवाती है अंदर किचन में आके, कौन से वाले काम करवाती है, ऐसे करके आके बैठती है। हाँ भाभी और सुनाए कि क्या चल रहा है आजकल। आप रहने दे बर्तन मैं धो देती हूँ। अब वो भाभी खुद ही धोना शुरू कर देती है, फिर बंदा कहता है अच्छा। नहीं, नहीं 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 मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं ऐसे तो नहीं हाथ बटाती। ये भाभी बड़ी सच्ची होता है, ये भाभी बड़ी सच्ची है। आप मुझे बड़ी पसंद है, सच्ची सच्ची बातें कर रही है।
ऐसे नहीं कि टीवी पे हो तो तारीफें कर लें। कटिंग बोर्ड है, जब है तो ऐसे क्यों काट रही है? हाथों पे मिर्चें लग गई, आपकी मिर्चें लग जाएंगी, हाथ भी कट जाएंगे और फिर उसी से फ्रूट ट्राइफल बनाएंगे तो केक पे मिर्चें लग जाएंगी। कल भी मैं नोट कर रही थी कि सारी जो हमारी कंटेस्टेंट है कुछ कुछ हाथ लगा रही है बालों पे, फिर कुकिंग कर रही है, फिर यूं कर रही है, फिर कुकिंग कर रही है। देखिए हमें भी नहीं अच्छा लगता ये, हम किसी और का। देखिए सिर्फ तंदूर पे अच्छा लगता है कि पसीना टपक रहा और रोटियों में, और कहीं नहीं अच्छा लगता। वो भी हमने वो वाली रोटी देखी ना, डलते ना देखिए उसके बाद खाते ही। बुशरा अब आके तुम पे तरस आना शुरू हो गए। थैंक यू, जल्दी जल्दी करें। बुशरा जल्दी जल्दी करें, अकेली हूँ नहीं खुद ही। तो माय गॉड ये जी एक सेकंड ये आपने क्या किया? पानी में केक भिगो, पानी में डाल दिया, चीनी के पानी में टूट नहीं जाएगा ये इससे। चले चले देखिए इनकी रेसिपी, अब चीनी और कभी ऐसे होता नहीं है, देखा है लेकिन ये दे रही है इसको करके आप ये होता है। मैंने भी सॉगी, हाँ सॉफ्ट हो जाता है लेकिन ये केक ऑलरेडी भी सॉफ्ट होता है। ठीक है भाभी जी, अब बनाइए। करें अच्छा, यही तो वो टिप्पर जो मैं कह रही थी कि नरम भी हो जाता है। वैसे भी नरम हो जाता है, वो है अगर इसमें दूध थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, अगर कस्टर्ड पतला हो तो हो जाता है, हो ही जाता है। अच्छा तुमने क्या क्या बना लिया? बड़ी तेजी में चल रही है ये, मैंने अंडे भी साथ बॉइल कर लिए हैं। अंडा बॉइल किया ना माशाल्लाह, अकेले होकर भी बुशरा अंडा किस चीज के साथ बॉइल किया? लेडीज अकेले ही काम करती हैं, भाभियां नहीं करने आती। यू आर गुड यार। अरे बोले दोबारा जुमला, बोले क्या बोला? बहुत अच्छी बात की थी क्या? मैरिड गर्ल्स अकेले ही काम करती हैं, भाभियां या मदर हेल्प नहीं, मदर नहीं नंदे घर में हो तो काम करती है। नंदे आती हैं, थोड़ा बहुत करती है, ज्यादा करती है नहीं, तो जितना वो कर सकती है। मैं तो नहीं करती हूँ काम, मैं तो साफ बताऊँ। सब डिफरेंट होती है, सब डिफरेंट होते हैं लोग एक जैसे। सब जब अपने घर में होती हो तो अपनी भाभी की हेल्प करती हो? करती हो 100% है। बड़े लंबे दावे हैं, कल भाभी को लेके आना, कल तो भाभी का बच्चा ठीक हो जाएगा ना? तो हम पूछेंगे, आप फोन कर ले। मेरी बात सुनो, मैं 11 बजे के बाद यही होती है, बुला लेना, मैं 5 मिनट मिल लूंगी। 5 दिन तो भाभी का बच्चा बीमार नहीं रहेगा, अल्लाह ना करे। मैंने अगर नंद की बुराई नहीं की तो मैं भाभी की भी तो नहीं ना लेकर आ रहा है भाभी को। ठीक है हम देखेंगे। अच्छा जी क्या चल रहा है बाकी जगहों पे? मसाला बड़ा अच्छा भुना जा रहा है इनका, ठीक चल रही है। अंदर चलते हैं, एक नजर देखते हैं। और मजेदार ये कि स्पिरिट आपका बहुत हाई है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ अच्छा, फिर मैं एक दफा फिर यहाँ पे बता दूँ, भाभी ने नहीं बनाना है बाहर खाना, आप लोगों ने खुद बनाना है, जो चीज बार बार चेक करें। ओके लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम क्या कर रहे हैं? किचन क्वीन। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम टू किचन क्वीन। और हमारी तमाम जो किचन क्वींस हैं वो पूरी लगन के साथ इस वक्त लगी हुई हैं। एक गलती मैंने हर जगह नोट की, सब भाभियों से काम करवा रही हैं। बिल्कुल ये भी नोट किया है, सबकी भाभी काम कर रही हैं। कटिंग में मैं कर रही हैं, प्लीज इतना सा तो करें। कटिंग में तो करेंगी, मगर यहाँ भी भाभी बना रही है सारी बिरयानी। नहीं 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 नहीं, कैमरे की आंखें आपको देख रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख लिया, बिल्कुल भी नहीं किया। कोई देखे ना देखे, कैमरा तो आपको देख ही रहा है, देख रहे हैं। और एक डिश टेबल पे आ चुकी है, ये एक बात है, हैं? और यहाँ पर आ चुकी है, पता नहीं किस पूरा नाम भाभी कर रही है। नहीं कर रही, उसको मैंने बाहर आ गई हूँ, वो हेल्प कर रही है मेरी, वो हेल्प कर रही है। नहीं कर रही, मैं हेल्प कर रही हूँ उसकी। अच्छा लेकिन आपने हेल्प पूरी करनी है, सही से रखे, मगर आपने पकाना नहीं है, ठीक है ना? पकाने उसको देना है, आपने हेल्प उसकी पूरी करनी है। आप रेसिपी बता सकती हैं, चीजें काट के दे सकती हैं, लेकिन पका नहीं सकती। अच्छा देखिए, आपने ऑमलेट वाली प्याज काटी थी, लेकिन इसमें आपने स्लाइस प्याज काटा, आपने आलू की कबाब के लिए भी चाहिए और हमें कचुम्बर सलाद के लिए भी चाहिए। थोड़ी सी टिप को यू क्लिक करता, हम ये टिप हमारे देखने वालों के लिए बताते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। कंपटीशन के अलावा आपको सिखाया भी जाता है कि घर में किस तरह से होता है, किस तरह बनानी चाहिए, कौन सी टिप्स होती है, लेकिन ये लोग इतने मास्टरमाइंड में न्यू ले साइड कर दी यहाँ बिरयानी। भाभी भाभी बाकमाल है ना यार, भाभी बाकमाल, उन्होंने फटाफट और समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड है, बिल्कुल ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड। अच्छा मैं अब हाथ रुकवाने लगी, अंदर मेरी आवाज आ रही है। आप लोगों के पास सिर्फ एक मिनट है, एक मिनट के बाद आप अपना अपना ट्राइफल डिस्प्ले पे लेकर आएंगे, जस्ट इन अ मिनट। सो प्लीज अगर आपने उसको गार्निश करना है, कुछ भी अरेंज करना है तो कर लीजिए। और जिस सीक्वेंस में भेजा गया था, यानी हम डाउनवर्ड्स अपना शुरू करेंगे, 8, 7, 6, ठीक है? तो अंदर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हाथ रोक कर अपने अपने गार्निश कर लीजिए, बिकॉज वी आर कमिंग। और हम इसके बाद आप इवेल्युएट करेंगे आपका फ्रूट ट्राइफल।
चले अंदर, अंदर चले, अंदर लेकर आना है, अंदर लेकर आना है अपनी अपनी स्वीट डिश को आप सब लोगों ने भी, अंदर लेकर आना है। जो शेफ्स हैं, जो क्वींस हैं, वो अपने अपने फ्रूट ट्राइफल लेकर अंदर आ जाए प्लीज, उसे प्रेजेंटेशन पे लेकर आए। आप जल्दी से स्टॉप हो जाएं। वेरी गुड बुशरा जी। जना आप कहाँ तक पहुँचे ट्राइफल्स ले आइए, ट्राइफल ले आइए, ट्राइफल अब यहाँ पर होने चाहिए। जैसे बताया गया था कि हम आपको पहला जो सेशन है, पहला राउंड देंगे जिसमें ट्राइफल्स कंप्लीट करके लेकर आने हैं। क्यों क्यों अभी तक ट्राइफल नहीं मुकम्मल बनाया, इतनी देर हो चुकी है। ट्राइफल इतना आसान और इतनी जल्दी बनने वाली चीज है, जब भी कोई मेहमान अचानक से आ जाए हम यही कहते हैं भाई फौरन ट्राइफल बना लें, इतनी आसान चीज। बाहर बाहर जो कंटेस्टेंट्स सुन रहे हैं, अंदर आ जाइए यार, ले आए ट्राइफल, अंदर आ जाइए जल्दी से। देखने में तो यूं लग रहा था जैसे सबने बहुत जल्दी बना लिया है सब कुछ। कोमल ना, कोमल आप हमेशा लेट करती हैं, फिर कहती हैं कि टेंशन घबराहट हुआ है, पहली बार वॉश होने गया था, अब मुझे मिला तो इस वजह से। आपके साथ इतनी मजबूरियां क्यों हैं जो कि अच्छी लग रही है, हो जाती है बेहतर है हो जाती है। बनाना तरफ तो मजबूर लड़की लग रही हो आप, हर बात में रोना, आप रोने लगोगी। अरे नहीं नहीं आज नहीं रोती, पक्की बात है, पक्की बात है, देख लो। यूं 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 घबरा घबरा के देर भी लगा रही है, अब देखो वो जल भी जाएगी तो किसी को परवाह ही नहीं, नहीं, नहीं प्याज नहीं जलता क्योंकि फ्लेम की बहुत स्लो है। और आप साथ दूसरी चीजों पे नजर रखें, सबसे पहले हैशटैग सिक्स आसिफा शाहिद, आसिफा ने अपना फ्रूट ट्राइफल बना लिया, भाभी का भी कितना अच्छा है। भाई मेरी आवाज जा रही है, आसिफा की भाभी जरा अंदर आ जाइए प्लीज, भाभी जान आसिफा की भाभी अंदर आ जाइए। क्या नाम है भाभी का? शुमाइला। शुमाइला भाभी अंदर आ जाए, भाग भाग के जल्दी से। अच्छा चूल्हे अंदर आ जाइए जरा, वहाँ भी ख्याल रखना है ना उनको चूल्हों का। अच्छा मैं बता क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि भाभी चखे, भाभी चखे, और भाभी चखे अपनी राय दें, लेकिन आप लोग भी चखेंगे, चम्मच और दे दीजिए। भाभी आइए, भाभी आइए, अच्छा ये भाभी आप खुद सबसे पहले चखेंगी और हमें बताएंगी कि कैसा बना है, ठीक है? फिर हमारे जजेस तो चखेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप चखेंगी, आप भाभी है ना, आप उसे चख के बताएंगी कि ठीक बनाया गलत बनाया। मेरे हिसाब से ठीक है। आपके हिसाब से ठीक है, चीनी कंसिस्टेंसी सारा कुछ? जी मेरा ख्याल से ठीक है। हाँ रिश्ता लेने जाएंगी तो ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर आएंगी जो ऐसा ट्राइफल बनाए हुए? यकीनन यकीनन जी। भाई भाभी ने तो पास करना ही कर दिया। हाँ लेकिन ये कि अब हम सब इसको चखेंगे, इसमें डाल लें, इसमें डाल लें फरा। इनको डिश आउट करने का तरीका बड़ा अच्छा था, प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा अच्छा है इनका। भाई मेरे चमचे दे दो, दो तीन कहाँ है? अच्छा दूध पका हुआ, कस्टर्ड पका हुआ और जेली ऊपर से आपने, ऊपर से आपने सर्व किया कि अंदर से कोई नहीं खाना चाह रहा तो ऊपर से आप जेली दे सकते हैं। मेरी टीम को ना आज तक चमचों की अहमियत का नहीं पता चला, इतने बड़े चमचे थोड़े होते हैं। जिंदगी में चमचे की जो अहमियत है आप उसे अंडरमाइन नहीं कर सकते, चमचे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, यू नो चमचे। अच्छा ये कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है, जब ठंडा होगा थोड़ा जम जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा हमारे हिसाब से आसफा ने और भाभी ने बहुत अच्छा बनाया है और प्रेजेंटेशन भी क्योंकि बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। मेरा ये मानना है यू ईट विद योर आईज फर्स्ट, तो प्रेजेंटेशन बहुत लाजमी है। अलग से छोटा बॉल दिया है उसके मैं आपको प्लस पॉइंट भी दूंगी। वेरी गुड, रन टू योर स्टेशन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा और इनको नंबर जो मिलेंगे वो पहले आने के भी मिलेंगे, आ जाओ जल्दी से यार, इंतजार नहीं करो। नंबर सेवन, और जो लोग नहीं आ रहे ना अपनी मर्जी से अब उनके भी पॉइंट्स कटेंगे। आखिरी दो तीन मिनट है उसके बाद हम खत्म कर देंगे। अगर आपने ट्राइफल बना भी लिया है तो फिर अपने पास ही रखिएगा उसे, घर ले जाइएगा, फिर कोई नंबर नहीं मेरे, मेरे अल्लाह ये क्या है ट्राइफल? ये ट्राइफल है या ये बचा हुआ खाना है जब सब कुछ मिक्स करके फ्रिज में रख देते हैं? ट्राइफल नहीं है, इतनी बुरी प्रेजेंटेशन। भाभी का है, भाभी का नाम क्या है? मलैदा है क्या है ये? सबा भाभी आप भी अंदर आ जाइए, सना की भाभी सबा, तो शेफ से होगी ना। सबा भाभी अंदर आ जाइए, सबा भाभी भाई अपने अपने चमचे संभाल के रखो। मैंने बिल्कुल संभाल लिए, चमचे के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, और वो भी अपना डिनर स्पून, ईटिंग बड़े वाले।
ये आपकी आपका वो था आइडिया ऐसा बनाना चाहिए, भाभी का था ये, इसकी जो आपने गार्निश की, गार्निश की है, प्रेजेंटेशन की, आपका था? आप घर में ऐसे ही बनाती हैं? कोई एक प्याली दे दें साथ जिसमें डाल के, इतना नहीं कितना भी बनाया होगा तो बनाया तो होगा, आसान चीज है ये, क्या बात आपने की, ती हूं लेकिन बस। अच्छा जो भी साथ आ रहे हैं ना प्लीज, हाँ आपने जैसे सर्विंग लेकर आई हो ना वो चखें। मैं इसको तो बिल्कुल पॉइंट नहीं, भाभी कहाँ है, भाभी क्यों नहीं आ रही है, ट्राइफल है ही नहीं, ये ट्राइफल कुछ और है और ये कुछ और है और ये इतना बड़ा बड़ा क्या इसमें डाला हुआ है। भाभी आ जाइए, ये देखें ये स्लाइस काटे हुए एप्पल के लिए, बीमारों के लिए जो खाते हैं इतने बड़े बड़े, वही ना जब खाना बच जाता है तो आप मिक्स करके एक चीज में रख देते हैं, उस तरह का कुछ है, टेस्ट कर लेती हूँ लेकिन मैं आपको इसे कोई पॉइंट नहीं दे सकती। सही है लेकिन भाई चमचे सही नहीं है, मेरे हिसाब से इसको नहीं कहना चाहिए। कौन सा नंबर है आपका? 7 बुशरा। अरे भाभी आप चखें पहले और आप चख के बताएं कि इसने क्या गलतियां की हैं। आपके सामने बनाया है, आपकी पूरी इसमें शामिल है, मेरे मुंह में कस्टर्ड भी आया है पर क्या बहुत बड़े बड़े टुकड़े भाभी बनाएंगे ना, कैसा बनाया इतने वो आ रहे हैं, देखिए ये क्या, ये क्या इतने बड़े क्या आ रहे पीसेस डाले कस्टर्ड के पीस, वो जैसे नहीं कस्टर्ड के नहीं आ रहे, कस्टर्ड तो अच्छी तरह से उन्होंने मिक्स किया है, फ्रूट्स इतने बड़े बड़े काटे हुए, ये देखिए एप्पल कितना बड़ा काटा हुआ और प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी, प्रेजेंटेशन देखिए और ये जेली दी थी तो आपने बस यूं ऊपर से छिड़क दी, चलो जाओ हो गया, जेली जो है ना मसाले की तरह छिड़की है, अंदर तो है ही नहीं, दूसरी जेली क्या है, मेरे पे तो कुछ बोल नहीं सकती, दूसरी जेली नहीं है लेकिन ये सबको बराबर दी गई थी, बचा लिया आपने, क्या करेंगे खाएंगे भाभी, घर ले जाऊंगी, घर तो कोई नहीं जाता, हम भी छुप के खाते थे बचपन में, छुपा लेते थे थोड़ी सी कस्टर्ड, बस फिर छुप के ले जाऊंगी। अरे लेकिन क्या किया, क्यों देखिए सबको बराबर दी गई थी ना, क्वांटिटी इक्वल थी आपकी, आपने ये इसी पे नजर आ रही जगह और तो नजर ही नहीं आ रही कहीं पर भी। हाँ भाभी जी नहीं थी बिल्कुल एंड में मिली है तो फिर अभी वो हुई नहीं थी गाड़ी, नहीं मिली तो आपके बॉक्स के साथ ही रखी हुई, नहीं एक थी वो बस उधर, वो एक थी वो उनके पास ही, हम उनसे कर रहे थे तो वो कह रहे थे हम यूज कर रहे हैं, कौन वो साथ वाली वो उनके पास क्या था, उनके पास हमारे पास पतीली एक, हाँ टीम ये क्या मसले हैं भाई, बर्तन तो सबके पास है, नहीं सिर्फ एक थी बड़ी, तो देखिए ना वो आप ब्रेक में भी तो कह सकती हैं, हाँ उसको आप ब्रेक में कहा सारी टीम आपके बाहर भी है, यहाँ भी है, मसला हो तो आपने उसके सारे लोग मौजूद हैं, हमारे पास सबको दे रहे एक थी, हमने वो उसमें फटाफट वो किया है फिर करके उनका हाथ कट गया तो पूरी टीम आ गई, सभी प्लास लेके पट्टी लेके बैंडेज लेकर, तो आपको ये चीजें कैसे नहीं दे सकते हैं, मैं तो नहीं मान सकती, कंपटीशन है, आपको ये सोचना चाहिए कि कंपटीशन है और इसमें कोई गुंजाइश ऐसी है, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी आइए कौन है आगे, #8 आ जाओ, ये वाला है, ये वाला है, ये किसका था, एक मिनट, ये किधर से आया, ये भी तो रखा हुआ है, ये बुशरा का है, नहीं नहीं आया किधर से है, ये तुम्हारे ऊपर नाजल तो नहीं होती है, ये इन्होंने तो बनाया ही नहीं था, उछल के उतरी होंगी लेकर ना, ये हो गया सारा, ये आया किधर से है, ये जानती है इसने नहीं बनाया है, तो फिर तो ये पूछ रही किधर से आया, बनाया मैंने ही है लेकिन टाइम में कम था, आपने ही बनाया ये, नहीं 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 मुझे समझाओ, मेरी टीम चीटिंग करवा रही है क्या, नहीं 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 कभी भी नहीं, ये कहां से आया ट्राइफल, पूरा बनी है मूवी आप क्या पर देख सकती हैं, वीडियो इन्होंने बनाया, तो उसको क्यों कह रही थी मैंने तो बनाया नहीं, उसके बाद ही शुरू किया इसलिए ठीक नहीं बना, अच्छा नहीं बना, हाँ मीठा शदीद है और कस्टर्ड बहुत गाढ़ा है, गाढ़ा है बहुत ज्यादा, टाइम कम, और जी जब ये ठंडा होगा चलोगे तो बिल्कुल केक बन जाएगा, हां क्योंकि वो उसमें कम डाला नहीं बन जाएगा, तो क्योंकि ये कंपटीशन है यार, नहीं बन सकता ना, अभी 2 मिनट पहले मैं बाहर गई हूँ, बाहर गई हूँ चूल्हे के ऊपर, कस्टर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी, मैंने टाइम आउट दिया, ये पूरे कस्टर्ड के साथ कैसे आई है तैयार, किसी कंटेस्टेंट से शेयर किया, कहाँ से आया सही बताओ, ये मैंने बनाया, अच्छा बना नहीं बना वो अलग बात है, बनाया मैंने, अच्छा कॉन्फिडेंस चेक करो, अच्छा बना नहीं बना ये अलग बात है, अच्छा एक मिनट नहीं इस पर डिस्कशन हो रही है, बनाया कि नहीं बनाया, एक मिनट 2 मिनट में बनाया, दो मिनट या 5 मिनट जितने भी आपने नोट किया, मैंने टाइमिंग नोट किया, दो मिनट इतनी टाइम में, हाँ उसके बाद ही बना जब आपने मुझे कहा, 8 नंबर ही या मैंने तो अंदर आके टाइम आउट दे दिया और मैंने तो बुलाना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट आई ना, आपने फर्स्ट मुझे कॉल किया लेकिन उस वक्त नहीं आ सकी, डू यू विटनेस माई टीम कि इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया, आप सब लोग विटनेस हैं इसके, कैमरा भी पक्की बात है, कैमरा भी विटनेस है, कैमरा भी विटनेस है, अच्छा 2 मिनट में बनाया फिर इसे,
मैं सिर्फ आपकी दो मिनट के ही नंबर दूंगी माशाल्लाह से इस ऐसे ट्रैफल में कोई खास बात नहीं आई आई हैशटैग 3 हैशटैग 4 आ जाओ आ जाओ जल्दी थैंक यू बुशा आपने बनाया आ जाओ जल्दी जल्दी अब चक्के हमने ब्रेक पे जाना है सूर अच्छा इतना गाढ़ा जो बना हुआ है जी अच्छा भाभी कहाँ है भाभी जी आइए इसकी मुझे ये चीज अच्छा परफेक्ट है फरा ये जो यहाँ से आपको प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत नजर आ रही है मीठा परफेक्ट है अच्छा बनाया तालियां होनी चाहिए हजार बार मना कर चुकी हूँ कि भाभियों से काम नहीं करवाना सबने भाभियों को फुल टाइम काम पे लगाया हुआ है इससे पता चलता है कि भाभी पे नंद का रोब कितना ज्यादा होता है उस बेचारी ने घर वापस जाना होता है भले हम कुछ कहते रहे वो नहीं रुक रही है वो अपनी नंद को फुल टाइम सपोर्ट कर रही है भाभी जी आइए जरा आपको चखिए और अपनी नंद को जरा वोट दीजिए आइए आइए आगे हो जाए इस तरह थोड़ी सी जगह देना आइए एक और भाभी चखिए जल्दी से अब बताएं कैसा बना इतना सोच के ठीक है मैं यही कहूंगी ना आखिर मैंने घर भी जाना है भाभी लेकिन ये है कि अगर मैं कहती कि बहुत अच्छा है तो आप कहती ओके ठीक है इन्होंने कहा किस तरह भाभी है मेरी आप एक्सप्रेशन में देख रही हूँ मैं आपके थैंक यू सो मच अच्छा नेक्स्ट हैशटैग पांच नंबर पांच आ जाइए चलें जी लाइए आ जाइए जल्दी से अनम लेकिन हम आपके टाइमिंग के नंबर पे ये इनकी तो बस इस बॉल पे तालियां होनी चाहिए बहुत खूबसूरत बॉल है मैं जो नजर आ रही है बिल्कुल जल्दी से चेक और चम्मच भी लेके आए हैं यार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो चमचों में खुद कफील होते हैं ये देखिए ये है हमारा डेजर्ट स्पून हां मुझे वो लोग हमेशा अच्छे लगते हैं जिनके पास चमचों की कोई कमी नहीं हां ये बड़ा आर्ट है भाभी कहाँ है 100% बास फरा भाभी कहाँ है Who is the where is the woman behind all behind this? भाभी को साथ लेके आना नेक्स्ट आसनों के थैंक यू सो मच आसमा आ गई है गुड नंबर थ्री फातिमा आजम आ जाओ जल्दी से नंबर थ्री यहाँ पे रखो ओहो ये क्या है ये बच्चों की बर्थडे का केक तो नहीं है इसको वो मुझे नाइफ दो मैं काटूंगी इसको चलें जी चखें जल्दी से नहीं ये जो खाना ये भी वही मलेदा है ना जो खाना बच जाता है वो नहीं होता कचड़ा बनाते हैं कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देखें कितना ये देखें ओके डन कौन रह गया पीछे कोमल आ जाओ ट्रैफल नहीं कौन सा नंबर है आ जाओ कोमल रखो नंबर वन पे किरण आपका क्या ख्याल है यार आपने नहीं लेके आना ट्राइफल क्या आप थी मिस परेशान इज नंबर वन ओके तो आप इसको चखेंगे ये दुखियारी बहन है बेचारी रोना आज नहीं रोना है तुमने बिल्कुल भी अच्छा इसमें दुखियारी ये तो मैं बॉल बना के इसको ठंडा करके फिर मैं खेलूंगी गेंद उसके बैट के साथ इसकी आप टिकिया बनाइएगा या मैं मारिया पे बरसाऊंगी हाँ हम टिकिया बना के खाएंगे आ जाओ अब भी आ जाओ हमारे कोई बर्तन जला रहा है थैंक यू सो मच किरण थैंक यू आपका उन्होंने चख लिया कोमल आओ जल्दी से नहीं कोमल का चख लिया किरण आप आओ जायका अच्छा नहीं वेरी गुड प्रेजेंटेशन तालियां होनी चाहिए भाई बहुत प्यारी ट्राइपल नजर आना चाहिए तालियां की नजर आनी चाहिए मगर गिवन टाइम से कोई 10 मिनट लेट आई है ये वो तो माइनस होगा तो इतना टाइम बाकियों को भी मिलता तो प्रेजेंटेशन तो वो भी कर लेते ठीक है इतना खास नहीं है शक्ल अच्छी है इसकी सीरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अच्छा आप लोगों ने अब टाइम नहीं वेस्ट करना आपने दूसरे टास्क पे कंटिन्यू रहे मैं एक दफा फिर कह रही हूँ भाभी ने काम नहीं करना हम नोट कर रहे हैं जहाँ जहाँ भाभी ज्यादा काम कर रही है नंबर कटेंगे आंटी जी काम नहीं करना सिर्फ हेल्प करनी है भाभी जान बाहर भी काम नहीं करना सिर्फ हेल्प करनी है सो एक टेक हम ब्रेक ले रहे हैं और हम वापिस आएंगे किचन क्वीन घर में बैठी हुई तमाम क्वींस को हम खुश आमदीद कहेंगे ए प्लस किचन क्वीन कॉम्पिटिशन में जिसमें आज हमारी पार्टिसिपेंट्स क्या कहूँ मैं अब फरा सबकी सब मेरा दिल चाह रहा है हाथ के साथ क्यों काम कर रही है यार तुम क्यों फरा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं स्टॉप करवा दूं यहीं पर काम आगे ना बढ़े ये काम
मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही क्योंकि ये समझ रही है कि ये लाइव शो चल रहा है तो जो आई हुई है पार्टिसिपेट के वो हंडिया हिला लें और बाकी ब्रेक में तो भाभियां अम्मी यही लगी हुई है जो सीन है बाजा के इस कंपटीशन का वो चावल की कनी चेक कर रही है आप कनी चेक कर रही है बिरयानी में कमाल किसका होता है चावलों का कमाल होता है आप कनी चेक कर रही है आप मुसलसल खाना बना रही है आपको लग रहा है कि तीनों बातें कर रही है चलो अपने काम दिखाओ जैसे ही लाइव आते हैं जिन्होंने हिस्सा लिया होता है वो शुरू हो जाती है ये क्या है मैं तो यार स्टॉप करवा रही हूँ फायदा कुछ भी नहीं है स्टॉप कर दिया आप लोग सब कंपटीशन का मजा नहीं आएगा ना ऐसे क्या तो आप नहीं सॉरी मैं चीख कर रही हूँ कि भाभी जान नहीं करना काम नहीं आज करवाया मैंने तो पहले ही कहा है कि आज भाभी ने बिल्कुल अम्मी मुसलसल अभी भी अम्मी लगी हुई है आप ही बना रही है खाना अम्मी ऐसे नहीं कर आपने बनाया मैंने खुद देखा है इसमें स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं सारे मैम मैं चम्मच दही में डाल के सारे स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं आपने देखे देखे जा रहा है ना आपका कंपटीशन है ये वो यहाँ लगी हुई थी आप यहाँ लगी हुई है वो वहाँ कटिंग कर रही है इनकी भाभी यहाँ खाना बना रही है सब कुछ देख रहे हैं हम बाहर भी यही हाल हो रहा है भाभी कहाँ गई भाभी कुछ चीजें लेने गई अच्छा अच्छा और बाहर क्या सूरत हाल है बाहर को भी हम देखते हैं एक नजर बड़ी इम्पोर्टेंट है के बाहर हाँ जी यहाँ पे क्या हालात है यहाँ पे भाभी बना रही है ये आप क्यों चावल डाल रही हैं आप क्यों डाल रही हैं ये देखें यहाँ पर भी पकड़ा है हमने आके क्यों नहीं क्यों सिर्फ क्यों आप तो इनके साथ आइए ना कल कोई और होगा आप इन्हें बता भी सकती हैं कि डाल दो चावल आप कह सकती हैं ऐसे हाँ और यहाँ पे आप उन्हें गाइड कीजिए कि जी ऐसे डाल हो रहा है बाहर भी ये हो रहा है सब आप इनकी हेल्प करवा रही हैं और तुम अकेली क्या कर रही हो अगर ये दिन कट जाती तो फिर आपका कमाल इनका तो कमाल है ही नहीं कल ये होंगी कल आप तो नहीं होंगी यहाँ पर क्या हालात है आप लोग सब इस चीज का ख्याल रखें और ये देखें कभी भी जब रंग डालते हैं एक जगह नहीं डालते फैला के डालते हैं यहाँ पर भाभी ने तंग आकर अंदर से बाहर ही निकल आई है उन्होंने कहा यार ये बार बार जो कह रही हैं लेकिन गुड टीम यहाँ गुड टीम हाँ ठीक है मैनेज करके चल रही है किस तरह से चलना है किसको बाहर आना है किसको अंदर आना है बात सुनो किचन में क्यों रोने वाली हुई है बिल्कुल भी नहीं रोने वाली जो चैनल जो होता है ये बड़े बड़े टीम्स को निकालता है बड़े बड़े शेफ्स को निकालता है आपको आगे भी जाना होता है बहुत सारे कंपटीशन में फिर आप दुआएं दे रही हो और फराह के शो से हमें ये सारे टिप्स मिली है फराह बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रही हैं लेकिन जज इसीलिए तो होते हैं जज इसीलिए ये बताएं कि जिन जिन आपने सब चीजें बना ली मैं कह रही सी और बॉक्स जो हमने आपको दिया था ये बॉक्स है इसमें क्या क्या कुछ यूज हुआ और क्या क्या कुछ बचा है इन्होंने सारी चीजें यूज की है और कस्टर्ड पाउडर इतना लिया जिनको उनको चाहिए था लेमन का इस्तेमाल किया है हरी मिर्चें जो चीजें चाहिए थी बाकी आपने सारी चीजें यूज की हैं मगर ये मसाले वैसे के वैसे हैं ज्यादा मसाले ज्यादा होने ना तो उन्होंने इस क्वांटिटी में डाला वैसे बिरयानी में तो मसाले काफी अच्छे क्वांटिटी में डलते हैं बहुत वाइज यूज सारी चीजों का हाँ हीरोइन आपका कहाँ है डियरेस्ट हमारी डियरेस्ट वन एंड ओनली इधर देखिए तो 8 दिन चलाएंगी अपना खाना ये कितने दिनों के लिए 8 दिन का मेरे घर में एक दिन भी नहीं चलता सेब भी बचा हुआ है तुमने क्या कटलेट छोटी बनाई कि वो भी नाजिल होंगे तुम पे वो बना ली दो दो बाकी घर लेके जाने नहीं नहीं छोटे अच्छा और ये सेब भी बचा हुआ है अरे ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं ये मैंने ये काट के रखी है जाया की चीजें उन्होंने बचा ली है और लड़की जाया बहुत की है चीजें नहीं नहीं ये भी यूज करनी है उसमें बिरयानी अभी बिरयानी में यूज करनी है चलो हम देखेंगे क्या क्या कुछ यूज होता है क्या क्या कुछ जाया होता है उनका भी हो चुका आपका बॉक्स कहाँ है जो चीजें यूज हो गई और जो चीजें बच गई वो प्लीज ये टिक्की बन रही है पड़ोसन आपके टमाटर का आपके टमाटर का ऐसे करो ताकि ये टूटे ना आपका ठीक है आपने बचा के नहीं रखा कि मुझे किस किस तरह से मैनेज करना है आप उनको रख दें आप रख दें दे दें उनको दे दें कोई चीज किसी से बोर नहीं करनी सबको एक जैसी चीजें दी गई हैं आपका बॉक्स क्या हुआ मतलब सब सेट है
चलो दिखाओ ना। अच्छा अपना ख्याल भी रखना है, जलना नहीं है। अच्छा सो इसमें लहसुन अदरक क्या नहीं डाला किसी भी चीज़? शेफ्स की तरह काट इसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया आपने? नहीं थोड़ा भी नहीं किया, कहीं से स्पून नहीं लगा हुआ। गुड गुड वेरी नाइस। कहीं से स्पून भी नहीं लगा हुआ? नहीं मैं नहीं मान सकती, यूं भी उठाती ना तो एक निशान आ जाता इस पे, यूं भी नहीं उठाया। हो सकता है ये वाला अदरक डाल लियो, ये डाले हां जी ऊपर गार्निश के लिए डालना थोड़ा सा। देखिए पेस्ट तो डालते हैं, आपने बिरयानी बनाई हुई है। मैम पेस्ट डाली है। चलो देखेंगे, हम देखेंगे। और ये भी उसी तरह पड़ा है, मतलब लौंग का भी इस्तेमाल नहीं किया, लौंग भी नहीं डले हुए, सारा मसाला वैसे का वैसे पड़ा है। मसालों की होती है डाला था, एक प्लेट जितना बनाना ना तो उसके खिलाफ से थोड़ा थोड़ा चिकन इतना इतना सा। चलो देखते हैं, कैन वी सी योर बॉक्स प्लीज, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं और क्या दिखा दो। हाँ ये बॉल भी उठा लीजिएगा प्लीज। अच्छा दो आलू आपने बचा लिए, आपने जो टिक्कियाँ बनाई है आलू की वो कर रहे हैं, दो आलू बचा लिए। आपके पास ज्यादा आलू थे क्या जो दो बच गए? फोर सबके पास, सबको फोर थे। हाँ सबके पास काफी था। ठीक है सर, इन्होंने भी इस्तेमाल किया, बस आलू को बचा लिया। हाँ। है लेकिन जीरा बड़ा मजे का नजर आ रहा है ना। अरे वो ये है कि बिरयानी के मसालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे यूज ही नहीं। आप क्या बिरयानी में नहीं ऐड करती ये मसाले? करती हैं? बादियान के फूल और ये राइस में ऐड किए हैं। अच्छा मसाले में नहीं ऐड किए? मसाले में भी ऐड किए हैं, छोटी इलायची, लौंग और जीरा और बादियान। वेरी गुड चॉपिंग भाई, नंबर फाइव प्रोफेशनल, गुड चॉपिंग। शॉक है ना, गुड चॉपिंग, वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छा, मजा आया। अच्छा चलो मैं अंदर जाती हूँ, भाग के देखती हूँ। आपके पास टाइम खत्म हो रहा है, सर्व कर ले जल्दी से। डूब गई है, जिन लोगों ने कर लिया वो ले आए अंदर। ऑयल कम डालें उसमें, कटलेट की फ्राई में ऑयल कम डालें जी, यहाँ पे क्या टूट जाएंगे, मलैदा बन जाएगा। अब टाइम खत्म होने वाला है, बस जल्दी से वो हो जाएंगे। ये आखिरी दो तीन मिनट बाकी हैं। बिरयानी दम पे है, वो तो है, मगर ये भी तो बनाना जरूरी है ना। पैन हमारा वो क्लियर नहीं था, मम्मी बन गए यार, सबको उतने ही पैन मिले हुए जितने आपको। जल्दी करो, आखिरी दो तीन मिनट है, मैं तो बस ये हो जाएगा। अगर आपका क्लीन नहीं है, आपको आलू बॉइल करना है, टिश्यू पेपर से साफ करें, पानी भरे, उसको आलू बॉइल करें। अच्छा फरा, आप इसका इंतजार करेंगी कि कोई जाके धोकर लाए? आपका बॉक्स कहाँ है जो आपको दिया गया था? हमने बोला है ना, तो अब ये बच्ची खुद काम कर रही है। आंटी जी बॉक्स कहाँ है जो हमने आपको चीजों का दिया था? अच्छा कटलेट्स का इनकम दिखा दे। सो इस बॉक्स में आलू टिक्की, शाबाश आंटी, आप लोगों ने भी लिफ्ट ही नहीं कराई। आप क्या ये लौंग नहीं डालती है मसालों में? डालती है आप? अच्छा कम डाला है सबने, ये बात कही है ना सबने, सेम ये बात। यार ये लौंग चावल थोड़े हैं तो इसलिए, ठीक है। हाँ सारे के सारे लौंग वैसे कितने महंगे होते हैं लौंग आपको पता है? हाँ कितने महंगे हैं ये सारे मसाले, कितना महंगा आपको तो पता होगा। शाबाश, ये इतनी सी लौंग कटिंग बोर्ड पे पूरी की पूरी ये भी ऐसे ही पड़ी है। ये इलायची भी बड़ी महंगी है, तो ख्याल रखना भी तो होता है ना कि आप ख्याल रखें, वेस्ट ना करें, तो सही से इसको फोल्ड करके रख दे अलग से। ये पराने चुन चुन के रखा। मम्मी जी मेरी अम्मा पंजाबियों की कुछ कहावतें वो तो आप बना सकती हैं, भी अच्छी होती है। अच्छी होती है, कौन सी कहावत? कौन सी? कराची वालों पंजाबियों की कुछ कोयटा लाहौर कोयटा कराची, कराची वालों पंजाबियों की कुछ कहावतें बड़ी वो होती हैं, आपके पास भी है बहुत सारी मुझे पता है। मगर पंजाबियों में कहा जाता है कि औरत चाहे तो सुई के नक्के में से घर उजाड़ सकती है। अच्छा वो होती है यानी इतना इतना भी अगर वो फजूल खर्ची करेगी और जाया करेगी ना तो घर नहीं बन सकता। होम मेकर को हमेशा इन चीजों का बहुत ख्याल, और हमारी जब ट्रेनिंग होती है ना तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने कैसे मैनेज करना है चीजों को। बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्होंने गरम मसाले को फैलाया हुआ है। हाँ, जाया कर दिया। शामिल कर रही तो एक जगह पे आप रख तो दें, जिस तरह से आपको सलीके से दिया गया था, जिस तरह से दिया गया था उस रैपर को फाड़ कर यहाँ गिरा हुआ है बॉक्सेस के अंदर। आप ये सोचें कि आप इसको संभाल के रखें कि नेक्स्ट में कल के शो पे काम आएगा, या आपका घर होता तो आप बचा के रखती हैं कि फेंक देती, चलो आज दो यूज के बाकी दस से उसके बाद फेंक दो। हाँ नहीं भाई बिल्कुल सही बात। यहाँ पे क्या हालात है भाभी जी, आपके डब्बा कहाँ है? आपको तो ना आज अवार्ड मिलना चाहिए। नो डाउट, कटे हुए हाथ के साथ आपने सारा कुछ बना दिया। हमारा जो है ना ये कॉम्पिटिशन, मैंने काम नहीं करने दिया, लाज रखी है कॉम्पिटिशन की, तस्सी करके रख दी। आप ही कुकिंग करे जा रही, मैंने तो तुम्हें काम करते हुए देखा नहीं है।
काम कर रही हूँ मैं, मैंने इसको पकड़ने दे रही नाइफ। तो बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा तुम काम कर रही हो, सिर्फ नाइफ नहीं पकड़ने दे रही, ऐसा लगता है। भाभी छुरी मुझे दे दे, बाकी सारे काम आप कर ले। अच्छा यहाँ मैं देख रही हूँ अम्मी भाभियों को कोई फर्क नहीं, मैं बोले जा रही हूँ क्यों काम करे फिर लगी हुई है। आप इनसे सीखना ही देखें, हमने इनको बोला है तो वो हट गई हैं। तुम भाभी हो, तुम उस मुश्किल में पड़ी हो जिसमें ये बिचारी हैं। मैं नन तो हूं ना। जब आपने घर वापस जाना होता है ना, पूरे के पूरे ससुराल का सामना करना होता है, सारी दुनिया एक तरफ और ससुराल एक तरफ। नहीं वैसे ना मेरी मेरी जो भाभी है, मैं इनको कभी कह दू ना कि मुझे जो बाजरे का आटा होता है उसकी कबाब मुझे बड़ी पसंद है, कभी मौका मिला मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं सिंध की ये डिश है, कराची की डिश है, तो अपनी भाभी को बोलती हूँ यार वो बाजरे के आटे की कबाब तो बनाओ यार, तुम बना लो ना, तो बहुत अच्छी बनाती है। तो मेरी जो ना मौत इस तरह भी आती है, और बाजरे की फरमाइश करो तो मुझे खुद को ही बनाना। बाजरा वैसे बड़ा मुश्किल है हैंडल करना। अच्छा जी मैं ले रही हूँ ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आप सब लोग मेरी आवाज बाहर सुन रहे हैं, मुझे बाहर के काउंटर्स भी दिखा दें प्लीज। आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ब्रेक जैसे ही खत्म होगी अपनी अपनी बिरयानी, अपने कटलेट्स, अपनी हर चीज के साथ यहाँ पर तैयार खड़े होंगे। जो नहीं खड़ा होगा will be disqualified, will not be given a minute, ठीक है? So break ले रहे हैं और हमारे हैं वापस किचन क्वीन में। वेलकम टू किचन क्वीन, और हमारी तमाम की तमाम जो क्वींस हैं उन सब ने अपने सारी बेस्ट एफर्ट्स इस वक्त टेबल पे लगा दी। सो सबसे पहले नंबर वन कोमल गुलजार, फ्राइंग हो रही है। कोमल कोमल अभी तक काम कर रहे हो आप? टिक्की फ्राई हो रही है। फ्राई हो रही है, क्या फ्राई हो रही है? बस वो खत्म हो गया, अब वो फ्राई होने दें। राजू साहब टिक्की क्यों नहीं फ्राई की पहले? आलू को बॉईल होने में टाइम था बस। आपको कम टाइम दिया था? नहीं नहीं, प्रॉब्लम मेरा अपना है, मेरा मिस्टेक है। मैंने पोटैटोज बिरयानी के वो मसाला होने के बाद मैंने पोटैटोज रखे उस टाइम पे बॉईल होने, वो मेरा मिस्टेक है। ठीक है, पता है एक डिश ना बने तो आपका वो पूरा एक कॉम्पिटिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नंबर कम मिलेंगे। चिकन भी देखना है कि गला हुआ है, उसके बाद मसाला। नमक बहुत ज्यादा है इसके अंदर। नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है आपने। कोई ब्लड प्रेशर वाला हो तो मर जाए। आपके कबाब आए नहीं, टिक्की आई नहीं आपकी? नहीं आ नहीं रही, अब बस गई वो वहीं पर ही है, अब वो नहीं आएगी। ओके नंबर टू किरण शहजादी, किरण आगे आ जाइए, भाभी के साथ आइए, अम्मी के साथ आई। ठीक है आंटी जी, हमने दरअसल आपके हाथ का बनाया हुआ खाना चखना है। मैंने मुझे तो नहीं, आपने बड़ी मेहनत की। किरण ने नहीं बनाया, आपने बनाया? नहीं। जो बेटी का जो प्यार आप शुरू में बता रही थी ना, वो सारा नजर आया। शुरू शुरू में आपने किया, बाद में फिर आपने कवर किया, लेकिन शुरू में आपने किया। इसमें स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, सिर्फ स्पाइसेस मैंने डाले। इसे क्या कहते हैं? शुरू में ये कहते हैं, इसका एक मुहावरा है, आपने कहा है तो। इसे कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना। खट्टी क्यों है? खटास क्यों इतनी ज्यादा है? क्या है? खट्टी बिरयानी है ये। दही बहुत ज्यादा डाला था आपने, दही भी, टोमेटोज भी। और मैं एक बात बताऊं, बिरयानी पुलाव जैसी है वो जो पहले कह रही थी ना, वो वही पुलाव टाइप की है आपकी, वाइट और इस तरह से जो मसाले वाले चावल नजर नहीं आ रहे हैं जैसे किरण जी। अच्छा नंबर 3 चिकन का टेस्ट अच्छा है शेफ। नंबर 3 फातिमा, सही है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। फातिमा एंड भाभी, नॉर्मल है। फातिमा एंड भाभी जी आइए आइए आइए, आप तो आज वाकई उंगली कटी हुई है भाभी की, पता है? भाभी ने बड़ा काम, बड़ी जालिम काटी है भाभी, बड़ा काम किया है, चावल की कनी देखना, उन्होंने कहा खून पसीने की मेहनत है दोनों की। थोड़ी शक्ल से लग रही है हाँ बिरयानी, हाँ क्योंकि कलर्स का वो एक है ना। अच्छा इन्होंने जो ये है छोटी इलायची, मेरी 2 स्पून में इलायची आई है, बाकी कुछ नहीं डाला आपने? भाभी आपने बहुत अच्छी बनाई है। भाभी अच्छा आप थी? अच्छा आप कंपटीशन में आप थी? भाभी सॉरी मुझे नहीं पता, मैं समझी भाभी थी। अच्छी अच्छी कराची की बिरयानी। इसमें क्या क्या काम तुमने किया और क्या क्या भाभी ने किया? भाभी वाह वाह,
کیونکہ ہم فنگر کٹ گئی تھی تو وہ صرف ہلا رہی تھی میں مسالے سارے کاٹ کے ڈالی چلی جا رہی ہوں مسالے کاٹ کے ڈالی ہاں بھابھی ایسے ہی ہیں چلے مان لیتے ہیں بھابھی کی کوکنگ بہت اچھی ہے بہت زبردست ٹکی بھی بہت اچھی ہے بریانی تالیاں بھابھی کے لیے بھائی نہیں فرا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بنائی ہے واقعی اچھا اچھا دوسری بات یہ بریانی بریانی لگ رہی ہے یہاں آ کے فرائز جو اوپر انہوں نے ڈال دیے یہ بریانی نہیں یہ چلو کباب ایک منٹ نمبر فور کون ہے اسما شبیر اسما بھابھی کے ساتھ آؤ فرام کسور بھابھی جی ساتھ آئیے ساتھ آئیے بھابھی جی ساتھ آئیے آگے آئیے نا الگ سے رکھ سکتی تھی کہ آپ کا دل کرے تو آپ اس کو الگ سے لے لیں اوپر آپ نے اس کو گارنش نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل ریسیپی ہی بدل جاتی ہے اگر آپ اوپر چپس ڈالیں تو میں چکن بھی دیکھ رہی ہوں چکن گلاوا ہے چکن سبھی کا گلاوا ہے چکن کا مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے فرائی کیے ہوئے پیاز جو ہوتے ہیں وہ پلاؤ میں ڈلتے ہیں بریانی میں کبھی بھی نہیں ڈلتے ہیں اچھا جی میں یہ کمپٹیشن اس لیے کہہ رہی ہوں لیکن یہ بریانی بالکل میں تو نہیں کھا سکتی میں کیا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھا سکتا چکن ٹکا بریانی تو بہت اچھی ہوتی ہے بڑی اسپائسی اسپائسی ہو جاتی ہے ایک دم سے نا کوئی ذائقہ ہی نہیں اس کا ٹیسٹی نہیں ہے بریانی مجھے تو اچھی لگ رہی ہے نہیں اس میں مسالے زیادہ ہیں اس میں مجھے ایسے لگا ہے مسالے زیادہ ہیں فرا کو تو سب اچھا لگ رہا ہے کل سے ہی اچھا لگ رہا ہے سب سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے نیوٹرل پارٹی نہیں سکتی ہوں اچھے بنے ہوئے ہیں چاول سیریسلی اگر میں بھی بہت اچھی بن جاؤں تو سب کے سب پورے پانچ دن تک یہی رہیں گے کوئی جائے گا ہی نہیں اللہ اب آپ کی باری آنے دے رک جائیں رک جائیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ اسما ٹکی بھی بالکل وہ جو کمپٹیشن میں آپ آئی ہوئی ہیں اس حساب سے نہیں گھر میں بنائیں کھائیں گھر والے لیکن کمپٹیشن کے حساب سے نہیں میں نہیں مان سکتی یہ کس نے بنایا تو یہ آپ الٹا کٹ کے کٹورے کو یہ بناتے ہیں یہ تو بریانی کی پریزنٹیشن نہیں ہے مسالہ سائیڈ پہ ہو سکتا ہے چکن کی بوٹیاں سائیڈ نہیں ہو سکتی یہ دیکھیے بوٹیاں نہیں ہو سکتی سائیڈ پر یہ آپ کا پلیٹر ہی غلط ہے اس کے تو میں سب سے پہلے مائنس فائیو دوں گی مائنس فائیو اسما انم انم مائنس فائیو سب سے پہلے پلیٹر کیونکہ یہ پلیٹر بریانی کو آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں آپ یہاں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پلاؤ ہے بریانی کہیں سے ذائقے میں بھی کم ہی ہے چاول میں بھی کچے چاول اوکے نیکسٹ جلدی سے آئیے آصفہ شاہد آصفہ آصفہ بھابھی کے ساتھ آئیے آصفہ تو فروٹ ٹرائفل سے ٹاپ پہ چل رہی ہیں بہت اچھی پریزنٹیشن کیا خیال ہے بالکل اب دیکھیں بریانی چکن دیکھ لو گلاوا ہے گوشت کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ گلاوا ہے اگر بریانی بہت اچھی ہے گوشت گلاوا نہیں ہے تو پھر فائدہ کیسی بریانی صحیح بات بول بھی دیں آگے سے اس بیچاری کی سانس اٹکی ہوئی ہے وہ لے تو لے سانس سفرا دم گھٹ کے مر گئی تو آپ کے سر ہوگی بول دو کیسی ہے مجھے جو امیدیں تھی نا آپ سے اوپر کے چاول نا سخت بالکل صحیح امیدیں تھی چلو گڈ نمبر سیون سنا سنا حیدر بھابھی کہاں ہے سنا جی آپ ادھر اور بھابھی ادھر ان کی بھابھی بڑی بہنتی ہے بڑا کام کیا ہے بھابھی نے نہیں آپ ادھر اور بھابھی ادھر لڑائی تو نہیں ہوگی نہیں بالکل بھی نہیں سچی بات ہے نہیں ہمیں بہت پیار اچھا یہ آپ نے آپ نے چکن کو پہلے فرائی کیا تھا پھر مسالہ بھونا تھا اسی لیے آپ کا چکن اتنا سخت ہو گیا ہے بریانی میں کبھی بھی چکن کو فرائی نہیں کیا جاتا دیکھیں اسپون کی طرح مشکل سے میں ڈال رہی ہوں پیاز کو براؤن کر کے اس کے بعد چکن ڈالتے ہیں پھر مسالہ ڈالتے ہیں چکن کا رنگ بتا رہے ہیں صحیح ہے آئل تو اتنا ڈالا ہوا ہے کہ میں اگر چار دن بھی کھانا نہ کھاؤں ایک اسپون کھا لوں نا تو میرا لیول ہے اوکے ہاں رائس کچے اور کیوڑے کی بہت کیوڑا ڈالا تھا بشرا جلدی سے آئیے خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ اچھا تک جا رہی ہے تھینک یو ویری مچ بشرا کو چکھیں جلدی سے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے
ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है। अंडे कौन डालता है ऊपर? बुशरा है, बिरयानी भी पुलाव टाइप की है। अंडे डाल दिए तुमने, अंडे भी डाल दिए ऊपर। मैं ना बुशरा को एक चांस जरूर देना चाहूंगी, बुशरा अपने मियां के साथ आए। ये बिरयानी अच्छी है, फिर पता चलेगा। किस बात का? बिरयानी का टेस्ट अच्छा है। अंडे ऊपर डाल दिए कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। मेरे लिए कि फरा डाइट करती तो अंडे खा लेगी, बिरयानी छोड़ देगी। अच्छी है, अच्छी है ना करो यार, दिस इज नॉट फेयर। वो उस बेचारी की बिरयानी को इतना तुमने तनकीद की और इसको अच्छा कह रही हो? इसमें नमक भी था और चावल गले हुए हैं, कुछ चावल गले हुए हैं। और एक और बात, फरा एक मिनट, तुम्हारे मियां ने सिखाई है, मुझ पर रोक किस चीज का है? उसको बुला रही हूं मुझे तुम करने के लिए। अच्छा बड़ा बात सुने, ये अकेली भी थी, ये चीज भी आप देखें, माशाल्लाह अकेले इन्होंने सारी चीज। ये अकेली, ये अकेली नहीं है, ये अगले चार प्रोग्राम्स में इसको बुला लो, ये अकेली आई नहीं, और फिर इसकी मदद हो जाएगी इसी तरह। आप इसलिए अभी तो बची नहीं है, आपको किसने कहा कि आप रहेंगी यहाँ पर? ये तुम कहाँ? मुझे तो शुरू शुरू से ही आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ओके आइए हम अपने सीट पे चलते हैं, आप सब लोग सामने आइए, ठीक है आ जाएं। ये कौन सी थी? बिकॉज टाइम खत्म हो गया जजेस, हमने जल्दी से एलिमिनेशन का डिसीजन करना है, सो प्लीज कम ऑन क्विक, मुझे बताइए कि किस एक को, सब शेफ क्वींस हमारी सामने आ रहे हैं, इनमें से किस एक के हक में आप फैसला देना चाहेंगे? जल्दी से गिव मी योर डिसीजन प्लीज, देयर इज नो टाइम। अच्छा मेरा और शेफ का फैसला ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बिल्कुल। और वो है हमारी ये, ये जो तो मैं बुला लूँ इनको, ये वाला है जी, ये हमारा जो उसका नहीं, इसको निकालना है, निकालना, निकालना, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये आप अभी यही समझते हैं उनके माइनस पॉइंट भी थे? नहीं, आप लोगों का ये फैसला मुत्तफिक है? बिल्कुल हाँ, एक जैसा। और आप इस पे एग्रीड हैं? हाँ इस पे आपको लगता है कि चांस देना हाँ, चाहिए? चांस देना चाहिए, कर लेंगी तो भी इस बेचारी को क्यों नहीं चांस देना चाहिए? इस वजह से कि इनका ओवरऑल ही अभी तक तो जो बनाया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मतलब किसी जगह तो कुछ ठीक हो ना, कुछ तो ठीक होना चाहिए, कुछ भी ठीक। आइए जी, बस आइए, आप बुलाएंगी, किसका नाम है बुलाइए, जिसको निकालना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन। अच्छा बुशरा जावेद आ जाए सामने, बुशरा जवाद, जवाद आ जाए, और सना हैदर आ जाए, इधर आ जाए, इधर सामने, इधर, और सना हैदर आ जाए, सना उधर साथ आ जाए, ठीक है। ये कंपटीशन है, ओवरऑल तो आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये हमारी मजबूरी होती है, अगर सबको लेके चलेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, इसको दिल पे ना ले। सख्ती करने के मतलब ये होता है कि आप चीजें सीखें, आगे जाएं, अच्छा काम करें। तो आप बहुत मेरी फेवरेट हैं, मैं इतना गुस्सा नहीं करती, इसे कंपटीशन की वजह से करती हूँ, आप मेरी बहुत फेवरेट हैं। वेरी स्वीट बुशरा, मुझे बहुत ही अफसोस है, बहुत अफसोस है, मुझे रखना पड़ा आपको। नहीं, ये भी अफसोस है कि रखना पड़ा आपकी, आपकी बहुत कुछ फैमिली है, बहुत बड़ी। अच्छा चले, अरे कल इसको अगर चांस दे, कल हस्बैंड के साथ आप क्यों इतनी फेवर करती हैं? आपके कोई रिश्तेदार है? मैं चाह रही हूँ आए ना किसी के साथ, आए यहाँ पे, अगर ना आई कल भी किसी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, सिस्टर के साथ, भाई को भी ले आओगी, बहन को भी ले आओगी, तो फिर फरा इनको तो ससुराल में से किसी को ले आओ, सना बेटे को ले आती है ससुराल में से, नहीं ससुराल अपने में से है बेटा, सना कल हमारे साथ नहीं होंगी। जाने के लिए नहीं, कंपटीशन है, हार जीत होती है, आपको पता ना कि बिग पॉइंट्स, पार्टिसिपेशन मनी आपके साथ जाएगी, और ये पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट, यू आर अ किचन क्वीन, आप अपने घर की वॉल पे लगाइएगा, इसको लगाना, ये भी एक मेमोरी होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और बाकी तमाम हमारी जो क्वींस हैं, साइड पे रहिएगा एक मिनट, साइड पे रहिएगा, हमारी बाकी तमाम क्वींस को गुड लक, कल हम आपको वेलकम कहेंगे एक नए रिश्ते, एक नए टास्क के साथ, उस वक्त तक के लिए हम आप सबसे लेंगे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।